बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जय श्री राम, जय श्री राम, बल बजरंग बली की जय। आराम से प्रभु का स्मरण करो, पूजा पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। सदियों से लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी दिक्कत इन नेताओं को है। देख रहे हैं भाई साहब, ये बनते भी हिंदू के ठेकेदार हैं और अपने भगवानों को, अपने आराध्य को, अपने देवताओं को उनके नाम पे मतलब कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। चुनाव कर्नाटका में चल रहा है, कांग्रेस ने बोला कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिखा। इधर मोदी जी के आकर के रोने लगे, भाइयों बहनों ये हमारे बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, इन्होंने पहले राम जी पे ताला लगाया, अब ये हनुमान जी पे ताला लगा रहे हैं। देख रहे हैं भाई, क्या अंट शंट पकने लगते हैं। अरे मतलब की बात करो, कहां राम पे किसने ताला लगा दिया था और हनुमान जी पे कौन ताला लगाने जा रहा है? ये बजरंग दल का मतलब क्या हनुमान है? हनुमान जी ने मतलब अथॉरिटी लेटर दिया था कि जाओ तुम हमारे नाम पे बजरंग दल बना लो और कुछ भी करो जा करके। अरे ऐसे कल को कोई विष्णु दल बना ले तो वो विष्णु जी की ठेकेदारी करने लगेगा, कल को कोई कृष्ण दल बना ले, कोई गणेश दल बना ले। अरे कोई बात होती, अभी शिवसेना है मान लीजिए, उसने अपनी पार्टी बना ली शिवसेना, तो क्या वो शिव जी का अपमान हो गया? तुमने पार्टी तोड़ दी, वो इधर उधर हो गए तो शिव जी का अपमान हो गया? यार ये तो ये देश है, यहाँ पर इतने देवी देवता हैं, लोग अपनी दुकान का नाम, धंधे का नाम, प्रोडक्ट का नाम भी भगवानों पर रख देते हैं, अपनी पार्टी का नाम, अपने दल का नाम किसी ने रख लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भगवान हो गया। मतलब ठीक है, राजनीति, चुनाव, इमोशनल, लोगों को बहकाना, फुसलाना और धर्म, ये सब चलता है, लेकिन ये क्या चूरन जैसी बात करते हैं भाइयों बहनों? ये हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकना चाहते, कौन रोकना चाहता है? पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, कोई मजा ले कोई रोक के दिखाए? सदियों से हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, घरों में पढ़ रहे हैं, मंदिरों में पढ़ रहे हैं, जिसको जहां मर्जी आराम से पढ़ रहे हैं, खाम खाम में कौन कौन रोकना चाहता है? मतलब अब आपने 5 साल आपकी सरकार थी तो सरकार में आपने क्या क्या किया, जनता को क्या क्या दिया, कर्नाटक को आप कहां से कहां लेकर के गए? अपनी उपलब्धि बताइए कि भाइयों बहनों हमने देखिए आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया, वो किया, अब तो आपको हमें वोट देना चाहिए। अपने काम की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं भाइयों बहनों, ये हमें गाली दे रहे हैं, वो हमें गाली देते हैं, ये देखिए बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं, कहते हैं हम बजरंग दल बैन कर देंगे। भाइयों बस इसी नाम पे हमको वोट चाहिए और कह दो तो लोगों को बुरा लगता है, कोई आगे कुछ भी कहने लगेगा, अरे यार ये तो हिंदुत्व विरोधी है, ये तो फलाना है। अरे मतलब की बात करो, समझो, बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, हम लोग बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बली की सेवा करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, मंगलवार को व्रत रखते हैं। ये लोग अपनी राजनीति में आकर के बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं, मतलब मजा ले किसी की, ऐसे कोई कर देगा? और आपको बोलने की हिम्मत, मतलब कुछ भी बोल दीजिए आप कुछ भी बोल दो तो किसी को मतलब ठेस ना पहुंचे, क्योंकि आप ठेकेदार हो, और दूसरा कोई कहीं कुछ बोल दे, अरे भैया पूरे देश में सबको बड़ा अरे आप लोग अपना जो भी करना है, कांग्रेस को उठा के पटकना है पटक दो, इसको लताड़ना है लताड़ दो, उसको डालना है डाल दो, चुनाव जीतना है जीत जाओ, लेकिन जनता को खामखा में और भगवान को क्यों खींचते हो उसमें? वो बजरंग बली का अपमान और बजरंग दल पे, बजरंग बली से बजरंग दल का क्या लेना देना, शिवसेना से शिव जी का क्या लेना देना? मतलब नाम रख लेते हैं लोग लेकिन मतलब की बात नहीं करके भगवान को ये करके ताला लगा दिया था राम का। अरे लगा दिया था तो उनसे जा करके चुनाव रोको, जा करके उनका हिसाब किताब करो, क्यों ताला लगाया था? अगर कोई कह रहा है कि हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, रुक जाओ भाई 2 मिनट रुको, तुम जाके हिसाब किताब करो, पकड़ के लाओ उसको, ऐसे कैसे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दोगे, उसका हिसाब किताब करो, कौन कह रहा है?
अपने मन से ही कह रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, ये हनुमान जी को बदनाम कर रहे हैं और ये बजरंग दल को, अपने आप से बजरंग दल रख लिया है, रखा हुआ है। आप काम करो, जो भी अच्छा बुरा काम आप करोगे भुगतोगे, अच्छा काम करोगे नाम होगा, बुरा काम करोगे सरकार है, सिस्टम है, चीजें हैं, लोग अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सब, ये और दल करता क्या है, ये बजरंग दल का क्या मतलब, बजरंग दल का मतलब क्या है, बजरंग दल हम ये समाज के ठेकेदारी, बजरंग बली ने तुमको परमिशन दे दिया था कि ये सब जा जाके करो तुम वहां पे, हाँ तुम ये सब जाके देखो, वैलेंटाइन डे में जाके इनको लड़के लड़कियों को इनको हड़काओ, उधर जाके कोई रेस्टोरेंट में बैठा है तो उसको हड़काओ, उधर जाके ये करो, उसका जाति वो नाम, उसका नकाब, उसका हिजाब, उसका हिजाब, उसका किताब, ये सब तुम लोग देखो, बजरंग बली बोल के गए थे ये। तो कुछ भी यार थोड़ा मतलब कम से कम प्रभु का, भगवान का, उनके नाम को तो ऐसे ऐसे तो मत खींचो यार। जो आम हिंदू है, जो आम भक्त है ना, उसकी भावना आहत होती है वो, लेकिन वो आ करके कोई आम आदमी लोग सुनते हैं उनको बुरा लगता है, लेकिन आम आदमी के पास क्या है जो आ करके कहीं पर आकर के बताएगा कि देखिए हमको बुरा लग रहा है। इन्हीं को बुरा लगता है अपने ही मन से, और यही विरोध करते हैं और यही सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, सब कुछ यही है। और जब सब कुछ यही है तो बोला नहीं जाएगा भाई साहब। जय बजरंग बली। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।